जब दूरदर्शन के ऐतिहासिक धारावाहिक रामायण के किरदार द कपिल शर्मा शो के सेट पर नजर आए, छोटे पर्दे पर टीआरपी का कीर्तिमान रचने वाले इस धारावाहिक के किरदारों के साथ कपिल शर्मा ने जमकर मस्ती की और इन कलाकारों का बिल्कुल अलग अंदाज भी देखने को मिला। बता दें कि शो के होस्ट कपिल शर्मा, अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया, सुनील लहरी और प्रोड्यूसर सुभाष सागर से मिले। जाहिर है कि इससे दर्शकों को कई पुरानी बातें याद आई होंगी। आपको बता दें कि इसका प्रसारण दुनिया भर के 55 देशों में किया गया था। इसे भारतीय इतिहास की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पौराणिक सीरीज के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है। बता दें कि शो के इस खास एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो कपिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी किया था, जिसमें कपिल शर्मा ने बीते दिनों को याद करते हुए और कहते हैं कि बरसों पहले टेलीविजन पर जब इस शो का प्रसारण होता था तो महिलाएं सिर पर श्रद्धापूर्वक दुपट्टा ओढ़कर शो को देखती थीं। रामायण के शूट के दिनों की कुछ यादें ताजा करते हुए अरुण गोविल बताते हैं कि उस वक्त रामायण के कलाकारों को लुभावने और मादक फोटो शूट के लिए तगड़ी रकम ऑफर की गई थी। अरुण आगे बताते हैं कि जब रामायण की शूटिंग हो रही थी तो कई पत्रिकाओं की ओर से मुझे और बाकी कलाकारों को मादक और आकर्षक फोटो शूट ऑफर हुए थे। वो लोग इतने उतावले थे कि वो हमें भारी रकम भी देने को तैयार थे, लेकिन किसी कलाकार ने भी ऑफर को स्वीकार नहीं किए, क्योंकि सभी मानते थे कि दर्शक हमें आदर्श के रूप में देखते हैं और हम कुछ पैसों के लिए उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते। बता दें कि रामायण धारावाहिक के लक्ष्मण यानी कि सुनील लहरी की भी झलक देखने को मिली, जिन्होंने भगवान राम के भाई लक्ष्मण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे पहले अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी की रामायण की एक तस्वीर का कोलाज द कपिल शर्मा शो के सितारों की हालिया तस्वीर के साथ सोनी टीवी के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर भी शेयर किया गया था। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।